जबरदस्त जोश आपने देखा भी आपने। हम गया डॉक्टर साहब रैली था, रैली नहीं और मोदी जी के नाम का जो सामने किया ये काम, आपकी जो रोहतक मैम हंसी लाइन जो है वो हमारे समय में, उसका सारा का सारा काम हमारे समय में हुआ। एमपी बनने का चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, बोले अपने मुँह से, और अपने मुँह से ये भी बोले कि इस चुनाव का मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं, ये बोले अपने मुँह से, फिर देखे कहाँ खड़े हैं चुनाव में। जब आप ग्राउंड में जा रहे हैं तो विपक्ष ये कह रहा है कि आप रिपोर्ट कार्ड पे नहीं सिर्फ मोदी के चेहरे पे लड़ रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह और मेरे साथ हैं रोहतक के एमपी और बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। राम राम, नमस्कार। डॉक्टर साहब चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत बिजी चल रहे हो। चुनाव इतना जबरदस्त जोश है जैसे 2019 में, और वो जोश क्यों है कि मोदी जी के ऊपर लोगों को, पूरे देश को, और जिसमें हमारा लोकसभा क्षेत्र रोहतक भी है, इतना विश्वास है। अभी रैली जो की रोहतक सोनीपत की जो रैली थी हमारा, में मैं गया था देखने के लिए, कंबाइंड रैली थी रोहतक के, हमारे बहुत लोग गए हुए थे सोनीपत से, क्यों पिछली बार हमारे रोहतक में होगी थी, अब की बार वो पिछली बार थी वो गोहाना में, तो लेकिन पिछली बार हम आए थे फर्स्ट टाइम तो हमारे को रोहतक में मिल गई थी। अब वो मनमोहन बड़ोली जी नए कैंडिडेट हैं तो इसलिए उनको गोहाना में दे दी, वो मेरे से बातचीत हो गई थी। तो बहुत ज़बरदस्त जोश था, आपने देखा भी आपने। हाँ मैं गया डॉक्टर साहब, रैली था, रैली नहीं थी। और मोदी जी के नाम का जोश के साथ साथ कामों का जोश है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं अंत्योदय आखिरी छोर तक, गरीब से गरीब के लिए जो काम किए हैं, और किसानों के लिए, दलित बैकवर्डों के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल जाति के गरीबों के लिए, हर कैटेगरी के लिए, आपने स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, खिलाड़ियों के मान सम्मान जो राशि है वो बढ़ाना, बढ़ाने का काम जो करना हो, युवाओं के लिए, युवाओं की 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की लोन की जो बात करनी हो, रेडी वाले छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, रेडी वाले बुजुर्ग, महिला, खिलाड़ी, हर एक कैटेगरी के लिए मोदी जी ने काम किया, और वो कामों की वजह से ही आज मोदी 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 है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहता हूँ, जब आप ग्राउंड में जा रहे हैं तो विपक्ष ये कह रहा है कि आप रिपोर्ट कार्ड पे नहीं सिर्फ मोदी के चेहरे पे लड़ रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा विपक्ष गुमराह कर रहा है, विपक्ष गुमराह करके अपनी तरफ खींचना चाहता है, वो जिस इलेक्शन को जिस तरह से बनाना चाहता है वो उनकी पार नहीं बस रही, वो गुमराह कर रहा है। वो ऐसे ऐसे मैंने उसको चैलेंज किया है कि जो तेरे को बात है तो आ जा, अभी भी इलेक्शन का टाइम है, आमने सामने बैठ, दोनों तीनों बातें एमपी डेवलपमेंट पे बैठ ले, और मैं वो कह रहा है मैं गया नहीं उस पर बैठ ले, दो ही तो बातें हैं। और तीसरी बात है कि अभी हमने कामों के बारे में जो बात कर रहे हैं, अरे काम तो इतने हुए, वो कह रहे हैं 59 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया, ये कोई काम नहीं है, 12 करोड़ किसानों से मान लीजिए जी, ये कोई काम नहीं है, नहीं समझे, 10.5 करोड़ महिलाओं को, घरों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया, ये कोई काम नहीं। अरे भाई जल्द काम तो वही तो है, हर फैसिलिटी, अरे काम जनता की फैसिलिटी के लिए है, अरे काम, आप कोई सड़क बना रहे हैं वो भी जनता की फैसिलिटी के लिए है, आप कोई स्कूल बना रहे हैं वो भी जनता की फैसिलिटी के लिए। तो इनके साथ साथ आप देखें ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर 5,600 करोड़ का प्रोजेक्ट, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे की तरह से पैरेलल वो चलेगा, वो आप ये सांपला वाला देखें, ये ओवर ब्रिज कितना इम्पोर्टेंट है, ये छोटा काम बेशक हो लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है, ये 33 साल से राजनीति में, इनसे पूछो कितनी कैजुअल्टियाँ वहाँ पर हुई होंगी, भूपेंद्र हुड्डा ने एक मिनट भी अगर संज्ञान लिया हो, ये काम भी किया, शुरू कराया था, हमने शुरू कराया, हमने किया ये काम, आपकी जो रोहतक मैम हंसी लाइन जो है वो हमारे समय में, उसका सारा का सारा काम हमारे समय में हुआ भाई, भूमि अधिग्रहण हमारे समय में हुआ, फाइनेंशियल बजट हमारे समय में हुआ, DPR हमारे समय में बनी, काम हमारे समय में चालू हुआ, काम हमारे समय में समाप्त हुआ, तो उनका कहाँ से नाम आ गया आप बताओ? डॉक्टर साहब ये लोकसभा का चुनाव है लेकिन कांग्रेस इसको विधानसभा का चुनाव की तरह ट्रीट करे, कह रहे कि वाया दिल्ली चंडीगढ़ आएंगे और मुख्यमंत्री ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो अपनी आत्मा से अपने दिल में पूछे कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं या मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो कहे स्टेजों पर चढ़ करके, भाई मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं, मैं एमपी बनने का चुनाव लड़ रहा हूं, मैं बोले अपने मुंह से, और अपने मुंह से ये भी बोले कि इस चुनाव का मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं, ये बोले अपने मुंह से, फिर देखे कहां खड़े हैं चुनाव में।
ये तो लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, अफवाह, दहशत का मामूल। अब ये देखें, एक वो अपनी एक कंपनी बना करके लोगों ने माँ लक्ष्मी को कंपनी बना करके घरों में घुस रहे कि 8,500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे। अरे कौन सी स्कीम के तहत मिलेंगे? दीवारों पे लिख दिया 300 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन, कौन किस तहत में? मैं कहता हूँ इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे कोई अगर आपका कोई बात है, कोई पब्लिक को कोई रिलीफ देने की बात है, कोई इंसेंटिव देने की बात है, क्या आपके मैनिफेस्टो में है ये? हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र हम बोलते हैं, ये मैनिफेस्टो बोलते हैं, उस संकल्प पत्र में हमने दिया है अब की बात एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संकल्प पत्र में है। दूसरा, हमारे संकल्प पत्र में 70 साल और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बनेगा, चाहे उसकी कितनी भी आमदन हो, ये हमारे संकल्प पत्र में है। सूर्य योजना, घरों में सोलर सिस्टम लगाने की, ये हमारे संकल्प पत्र में है। ये हमारे संकल्प पत्र में है, नौजवानों को 20 लाख रुपए तक का लोन, हमारे संकल्प पत्र में। ये कौन सी बात कर रहे हैं जो इनके मैनिफेस्टो में, एक बात भी ये मैनिफेस्टो में ना तो है ना ये कर रहे हैं। इनका तो अपना ही बनाया हुआ है, यानी कि धोखा, लोगों के साथ धोखा, झूठ, अफवाह, दुष्प्रचार करके ये सांसद बनना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप बार बार कहते हैं कि इस बार ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ठोक के कहते हो आप। हाँ। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि इनको हाथ नहीं लगेगा? क्योंकि इनको लोगों ने पकड़ा है, लोगों की पकड़ाई में आगे हैं कि किस तरह से दुष्प्रचार करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, अफवाह फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं। आप पूछो, बच्चा बच्चा जानता है कि ये झूठे हैं, ये इतनी झूठ बोलते हैं और कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं। अरे मेरे एमपी डेवलपमेंट के बारे में मैंने दे दिया, नोडल ऑफिसर का मैंने निकाल के दे दिया, डीसी के ऑफिस से निकाल के दे दिया कि मेरी ये स्टेटस है, फिर भी ये बोलते रहे। अब ना, अरे भाई, उसको मैंने कहा अगर तेरे को है तो तू आमने सामने बैठना, तू अपना दिखा, मैं अपना दिखाता हूँ, बोलते रहे फिर भी। अब देखो, यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम युवाओं का रखा, बोले भाई हमारे साथ तो धोखा हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, मार करें हम, कितना प्रचार करते, कितना गंदा प्रचार करते। मतलब ऐसा सिस्टम है कि इलेक्शन भाई जीतना है, जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी हद तक गिर जाए, भाई हमें इलेक्शन जीतना, ये इनकी बात। उस कैंडिडेट को बहका लिया, जैसे भी आप समझते हो। अब बीएसपी पार्टी का आपने देखा होगा बयान आया, सारे इकट्ठे हो गए वो कि उनके साथ धोखा हो गया। अरे भाई, पार्टी का कैंडिडेट है, कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट नहीं था, कोई इंडिपेंडेंट नहीं था, वो पार्टी के कैंडिडेट तो पार्टी के हिसाब से बैठेगा ना, उसको बहका लिया। अब बहका लो, अकेले कैंडिडेट को ले घूम लो। अब सारी पार्टी जो है, सारी बीएसपी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया है कि जो उसको हरा सकता हो। एक एमपी साहब कुछ कार्यक्रमों में आपके जैसे कोई विरोध करने वाले लोग, वे कौन लोग हैं? देखिए, हमारे कार्यक्रमों में कोई विरोध नहीं हुआ। कल एक नौजवान लड़का गाँव में उस शोर मचाने लगा, एक लड़का। तो मैंने कहा भाई, शोर क्यों मचा रहा है? तो गांव वालों ने कहा कि जनाब, ये 2-3 दिन पहले दीपेंद्र इसके आदमी आए थे प्रोग्राम करने, उसने फीता लेके इसकी छाती नाप के इसके कान में कहे, तेरी नौकरी पक्की, ये काम है इनके, क्या ले क्या रहे हैं ये नौकरी, वो भी धोखा, झूठ, नौजवानों को गुमराह करना। आजकल फीता ले रखा है, वो स्टेप जिसको बोलते हैं, किसी भी नौजवान का जा करके पता है इनको, भाई कौन सा नौजवान भाई क्रांतिकारी है और बोल सकता है, उसी का फीता लेकर नापेंगे कि भाई तेरी फीता भी, वो कद तो फीते से नहीं नपता, लेकिन उसने क्या पता चोटी के पीछे से कद भी कह देते, कद भी फिट, तेरी चोटी भी फिट और तेरा नाम लेकर टेलीफोन, तेरी नौकरी फिट। आप दो बात उठा रहे हैं, एक तो हुड्डा बाप बेटा जो है वो कांग्रेस, गुलाबी गैंग भी कह रहे हैं, दूसरा गुलाबी गैंग, हरियाणा नौकरियों के मामले में जबरदस्त, पूरे देश में बदनाम था, पूरे देश में हरियाणा बदनाम था कि हरियाणा में नौकरियां पैसे देकर के लगती हैं। इनके समय में 2004 से 14 पूरा बदनाम था। उस बदनामी को, सिस्टम को अगर ख़त्म किया, हरियाणा की बदनामी को ख़त्म किया, पर्ची खर्ची के सिस्टम से बाहर निकाला, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने, मोदी जी ने ये बहुत बड़ा काम किया, क्रांतिकारी काम था, लेकिन क्रांतिकारी काम था। और अब ये फिर से नौजवानों को, नौजवान लाइन पकड़ गया है,
नौजवानों को समझ में आ गया, लड़के लड़कियों का, भाई थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी पक्की मिलेगी। आज आके देखो, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में देखो, कोचिंग सेंटर्स में देखो, गांव में घूमो, गलियों में घूमो शहर की, आपको 12 एक बजे दो बजे लाइटें जलती मिलेगी, बच्चे बेटे बेटियां पढ़ते हैं, उनको उम्मीद है पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी। ये फिर से गुमराह कर रहे हैं, ये फिर से गुमराह कर रहे हैं कि अब भाई चिंता मत करो, हमारी सरकार आ गई तो हम सिफारिश से तुम्हारी नौकरी हम देंगे। डॉक्टर साहब, फिर से गुमराह कर रहे हैं। एज ए मीडिया पर्सन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, दो इशू हमें मिलते हैं, एक तो बेरोजगारी का, दूसरा अग्निवीर का, इन पे आपका क्या सोल्यूशन? देखो, अग्निवीर में मैंने पहले भी कहा है कि 25% आरक्षण तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कर दिया कि जो भी हमारा हरियाणा का जो जवान है, हरियाणा का जवान हमें भरोसा, हमारा माँ का जवान है, टॉप का जवान हमारा हरियाणा का। अब 25% में मैं 100% कह सकता हूँ कि मैक्सिमम हमारे हरियाणा का जवान वहाँ फिट होगा, और वहाँ से किसी तरह से भी मान लो कुछ परसेंटेज आ भी गई तो हरियाणा सरकार बैठी है, उसने तय कर दिया है, उसको हम 10% का लगभग। तो पहली प्राथमिकता तो ये कि हमारा जो संकल्प पत्र है, हम सब मिल करके संकल्प पत्र हमारा अच्छे तरीके से, संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी है वो लागू हो, और दूसरा हमारा लोकल लेवल पर रोहतक लोकसभा के लेवल पर हमने रखा है कि भाई आसोदा से सांपला मेट्रो और सांपला से रोहतक मेट्रो संकल्पबद्ध तरीके से, और दूसरा RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, इसमें आपका दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक सेकंड फेज में, इसका भी हम पीछे पड़ेंगे, सेकंड फेज में जो है ये काम हम ले लेंगे। दूसरा झज्जर से फरुखनगर रेल लाइन जो है, जिसके लिए 1225 करोड़ रुपया मंजूर हो गया दिल्ली से रेल झज्जर को जोड़ने के लिए, इसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी। और फिर चीज़ें चलती रहती हैं, ऑर्बिटल रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर 5600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, विकास का पहिया चलता रहता है, और भी बातें निकल करके आएंगी, उन सबको पूरा करेंगे। हम चाहते हैं बेरी को रेल लाइन से जोड़ा जाए, इस पर भी हम प्रयासरत हैं और हमें कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर साहब, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी इसको जाति पाति का चुनाव बना दिया है इसको। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कभी जाति पाति का चुनाव नहीं लड़ती, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, ये है, ये दुष्प्रचारक हैं, ये ऐसे प्रचार करते हैं, ये खुद ऐसा प्रचार करके खुद जाति पाति का इलेक्शन लड़ते हैं और दूसरों पर थोपते हैं, दूसरों पर। बीजेपी हमेशा, और ख़ासकर मैं भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा, चौथी बार जनता के आशीर्वाद से चौथी बार सांसद हूँ, पांचवी बार के लिए लड़ रहा हूँ, हमने जिंदगी में हमने जाति पाति की राजनीति नहीं की, सबका साथ सबका विकास, सेवा ही संगठन, इस बात को लेकर के हम चले हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है 36 बरादरी रोहतक लोकसभा के लोग फिर से मुझे आशीर्वाद दे करके कमल का फूल खिलाएंगे और मोदी जी के 400 पार में अपनी आहुति डालेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।